हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रणिकास किचन। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ पास्ता बिल्कुल मेरे स्टाइल में, जो बच्चों को बहुत पसंद आता है। ये रेसिपी स्पेशल उन बच्चों के लिए है जो वेजेस बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले हम पानी गर्म करेंगे। उसके अंदर मैंने एक चम्मच के करीब तेल डाल लिया है। अब मैं उसके अंदर पास्ता ऐड कर दूंगी। पानी गर्म होने के बाद ही हमें इसमें पास्ता ऐड करना है। इसके बाद हमें नमक ऐड कर देंगे इसमें आधा चम्मच। पानी में उबाल आने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। हम इसे हाफ़ कुक ही करेंगे, इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। जब तक हमारा पास्ता कुक हो रहा है तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब मैं कढ़ाई में 1 बड़े चम्मच के करीब देसी घी ऐड कर दूंगी। देसी घी में पास्ता बहुत अच्छा बनता है। आप इसकी जगह बटर भी यूज़ कर सकते हो, बट देसी घी हेल्दी भी होता है तो मैं तो देसी घी यूज़ करती हूँ। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी लहसुन। लहसुन मैंने बारीक चॉप करके ले लिया था। 7 से 8 कलियाँ मैंने लहसुन की ली हैं। इन्हें हमें ब्राउन होने तक फ्राई करना है। फ्लेम हमें मीडियम ही रखनी है, बहुत तेज़ आंच पे हमें इसे नहीं बनाना है, वरना वेजेस जल जाएंगी तो उनका फ्लेवर अच्छे से नहीं आ पाएगा। देखिए हल्का हल्का ब्राउन होने लग गया है। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे काजू। काजू मैंने 7 से 8 पीस काजू के लिए हैं। अगर आपके पास हैं तो आप डाल दीजिए, अदरवाइज़ आप अवॉइड भी कर सकते हैं इसे, पर काजू डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। इसके साथ ही मैं इसमें 1 बड़ा प्याज बारीक चॉप करके डाल रही हूँ। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे भी हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा ट्रांसलूसेंट सा हो जाए। इसके बाद हम इसमें हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है जो शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। वेजेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं इसमें, क्योंकि वेजेस को हम आगे ग्राइंड कर लेंगे तो बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसमें कौन कौन सी वेजेस डाली हैं, और ये बहुत हेल्थ से भरपूर होने वाला है। अब इसमें मैंने ऐड कर दिए शिमला मिर्च। एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च ली थी मैंने, उसे मैंने चॉप कर लिया था। इसे भी हम 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे अच्छे से। इसे लगातार हमें चलाना है ताकि नीचे से लग ना जाए। बच्चों को पास्ता खाना तो बहुत पसंद होता है, पर इसके अंदर के वेजेस वो नहीं खाना चाहते। मगर अगर आप मेरे तरीके से पास्ता बनाओगे तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा वो कौन कौन सी वेजेस खा रहे हैं। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच पेपर पाउडर। ब्लैक पेपर पाउडर मैंने इसमें यूज़ किया है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक ध्यान से ही डालिएगा क्योंकि हमने पास्ता बॉयल करते हुए भी इसमें नमक ऐड किया था। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट तक भूनने के बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। हम हमारा पास्ता चेक कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से हमें चाकू से कट लगा के चेक करना है, ये पूरी तरह से बॉयल नहीं होना चाहिए। देखिए इसके अंदर आपको लाइन्स ही नज़र आ रही होगी वाइट कलर की। हमें बस इतना ही कुक करना है कि इसके अंदर वो पतली सी वाइट कलर की लाइन नज़र आए। अब हम इसे पानी को ड्रेन कर लेते हैं। पानी ड्रेन करने के बाद हमें इसे ठंडे पानी से वॉश भी करना है, क्योंकि जब हम इसे ठंडे पानी से वॉश करते हैं तो इसका जो बॉयलिंग प्रोसेस है वो रुक जाता है, नहीं तो ये और मैशी होते जाएंगे। इसलिए ठंडे पानी से धोना बहुत ज़रूरी है। ठंडे पानी से वॉश करने के बाद अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। ये जो हमने मसाला रखा हुआ था ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसे मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड कर लेते हैं। बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेंगे हम इसका। इसे पीसने के लिए हल्का सा पानी भी ऐड कर सकते हैं हम। तो चलिए अब हम इसे पीस लेते हैं। देखिए इस तरीके से हमें इसका बारीक पेस्ट तैयार करना है, जिसमें बिल्कुल भी वेजेस नज़र ना आए। अब मैंने उसी कढ़ाई में 1 चम्मच घी और ऐड कर दिया है, और ये जो मैंने मसाला पीस के रेडी किया था इसको हम उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। इसे अच्छे से चलाते हुए हमें भूनना है। आधा कुक तो ये हो ही चुका है। अब हम इसे थोड़ा बहुत ही पकाएंगे, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी टमाटर की प्यूरी। मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे,
उन्हें मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है। अब इस तरह से हम लगातार चलाते हुए इसे बॉयल आने देंगे। बॉयल आने के 3 से 4 मिनट तक हम इसे पकने देंगे, क्योंकि टमाटर का पकना भी बहुत ज़रूरी है। बाकी की वेजेस तो हमारी पक ही चुकी थी, टमाटर का कच्चापन निकलना भी बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हमें इसे 3 से 4 मिनट तक और पकाना होगा मीडियम फ्लेम पे। टमाटर जैसे जैसे पकता जाएगा इसका पानी भी वैसे वैसे कम होता जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मैं आपके लिए ला सकूं। देखिए इसका पानी काफ़ी हद तक सूख चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे स्वीट कॉर्न्स। स्वीट कॉर्न्स मैंने बॉयल करके रखे हुए थे, ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहो तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हो इसको। स्वीट कॉर्न्स पास्ता हो या नूडल्स हो, सब में ये बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं तो इसे ज़रूर ऐड करती हूँ। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्वीट कॉर्न्स डालने के बाद भी हम इसे 2 मिनट तक पकाएंगे, ताकि ये जो मसाले का फ्लेवर है वो स्वीट कॉर्न्स में भी अच्छे से चला जाए। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं फ्रेश क्रीम। मैंने फ्रेश क्रीम यूज़ की है, आप इसकी जगह मलाई का भी यूज़ कर सकते हो। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही क्रीमी क्रीमी फ्लेवर जो आता है पास्ता में, बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे डालने के बाद हम इसे आधा से 1 मिनट भून लेंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी केचप और ऑर्गेनो 1/2 स्पून। ये डालने के बाद इसका फ्लेवर और अच्छा हो जाएगा। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पास्ता जो हमने बॉईल करके रखा हुआ था। इसे हम अच्छे से मसाले से कोट कर देंगे चलाते हुए चारों तरफ। सॉस आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम रख सकते हो, ये मैंने बच्चों के पर्पज़ से बनाया है, इसलिए मैंने इसमें ग्रीन चिली या रेड चिली फ्लेक्स का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। आप चाहो तो इसमें रेड चिली फ्लेक्स और ग्रीन चिली ऐड कर सकते हो, इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। बट बच्चे मिर्च पसंद नहीं करते, तो मैंने इसमें मिर्ची टोटली अवॉइड की है, मेरे बच्चे भी नहीं खाते। देखिए मसाला अच्छे से कोट हो चुका है पास्ता में, अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये पास्ता खाने में जितना टेस्टी लगता है उतना ही ये हेल्दी भी है, तो फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।